हे गाइस, सो आज हम लोग यहाँ पे हैं और यस आई एम वेटिंग फॉर अ गेस्ट, यू नो, बिकॉज आज मेरे साथ कोई स्पेशल है और यहाँ पे हम लोग स्पेशल डिस्कशन करने वाले हैं. एंड गेस हु? प्रमोशन वीडियोस देखे होंगे या फिर जो पोस्ट देखे होंगे मेरा फेसबुक पेज में या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट पे, तो आप लोगों को पता होगा कि मेरे साथ यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन है, यू नो, एन ऑलराउंडर टू बी प्रिसाइज. एक लेफ्ट आर्म, बाएं हाथ में गेंदबाजी भी करते हैं, बाएं हाथ में बैटिंग भी करते हैं, यू नो, बहुत ही बेहतरीन डिवास्टेटिंग बैट्समैन, अंडर 16 के कैप्टन रहा है वो. और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पृथ्वी शॉ जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी, फिर सचिन तेंदुलकर के बेटे जो है अर्जुन तेंदुलकर, फिर प्रवीण धनवरे, इन लोगों को भी कप्तानी की है इन्होंने. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एवरीबॉडी. थैंक्स राहुल भाई, थैंक्स थैंक्स बृष्टि, थैंक्स हुएवर इज कमिंग. और तो शायद वो हम लोग के साथ अभी जुड़ गए. सो यस, पुष्कर शर्मा, पुष्कर भाई, कैसे हो आप? भाई मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो यार? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. यू नो, इट्स अ वंडरफुल टू हैव यू आउट हियर. बहुत बहुत शुक्रिया, यू नो, कमिंग इन टेल्स डाउन द 22 यार्ड्स. तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो उतना इंटरव्यू जैसा तो है नहीं, पर बहुत ही कैजुअल टॉक जैसा होने वाला है. यू नो, क्या मेरा कैमरा थोड़ा टिल्टेड है? नहीं, कैमरा आपका ठीक है? कैमरा पूरा ठीक है? कैमरा ठीक है ना? ठीक सा? है. हाँ जी, ठीक अच्छा, है। ठीक है. तो और आवाज़ ठीक आ रही ना? आवाज ठीक आ रही? थोड़ा माइक का पास में लोग अच्छा रहेगा। ओके, सो हम लोग यहाँ पे कुछ बातें करने वाले, और शुरुआत करते हैं कि आप अभी फिलहाल केनिया पे, मुंबई अपने घर है, वहाँ से छोड़ के अभी केनिया पे. तो ये जो क्रिकेटिंग का जर्नी है आपका, ये कैसे शुरुआत कैसे हुआ? यू नो, बचपन से क्रिकेट का बहुत शौक था या फिर बड़ा होके यू नो कुछ ज़्यादा फोकस्ड हुए क्रिकेट के ऊपर? ये था कि क्रिकेट का तो खैर बचपन से ही हम लगा था मुझे, तो फैमिली से भी काफी सपोर्ट था मुझे। तो डैडी जी मम्मी जी को बोलता था मैं क्रिकेट के लिए, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट दिखाया और मैं स्कूल क्रिकेट को मुंबई में खेलूँ, जो कि अल्बरकात मलिक नाम है। तो वहाँ से स्कूल हमारी वहाँ से जर्नी मेरी क्रिकेट की स्टार्ट हुई और करते करते आज यहाँ पे नेहरू। अच्छा, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन. और आप अंडर 16 के कप्तान रहे हैं, वो भी बड़े बड़े खिलाड़ियों के. तो ये जो अंडर 16 का जो जर्नी रहा, यू नो, आप कैसे वहां तक पहुंचे? यू नो, हाँ, परिश्रम तो जरूर है, पर जो स्टेप बाय स्टेप आप अगर समझा पाए तो बहुत ही अच्छा लगेगा. वो अंडर 16 के सिलेक्शन मैचेस चल रहे थे और उस टाइम पे स्कूल क्रिकेट की वहाँ पे जो रन होते हैं वो एमसीए में काउंट होते हैं। उस टाइम पे मैंने 261 रन किए थे गायशील्ड में और सिलेक्शन मैच में मेरा अच्छा परफॉर्मेंस था। और जो सिलेक्शन मैच में खेल रहा था, जो एमसीए ने प्रोवाइड किया था, उसका मैं एक टीम में कैप्टन भी था। तो उन्होंने कप्तानी देखी और उस मैंने टीम फाइनल तक हम लोग मिलके, जो मेरी टीम थी, हम लोगों ने मिलके फाइनल तक पहुंचा। फाइनल तक पहुंचा. हाँ, तो शायद सिलेक्टरों को मेरे कैप्टनशिप का जो उनको अच्छा लगा हो, इसलिए शायद मुझे मुंबई अंडर 16 की कप्तान दी। अच्छा, तो आपने फाइनल तक पहुंचाया टीम को, और उसी वजह से यू नो तो सिलेक्टर ने सोचा कि हाँ, क्यों ना पुष्कर शर्मा को कैप्टन बना जाए. तो दैट्स ग्रेट, यू नो, ग्रेट जर्नी यू हैड. और अभी फिलहाल अभी केनिया पे हो आप, यू नो, मुंबई से आके केनिया पे आए हो. तो मुंबई पे आप खेले क्रिकेट, फिर अभी केनिया पे, यू नो, कैसा लग रहा है जो डिफरेंस है मुंबई और केनिया का? यू नो, हम लोग हम सभी को पता है कि मुंबई क्रिकेट मतलब बहुत बड़ा कुछ है, यू नो, इंडिया पे. तो वो डिफरेंस जो है, यू नो, तो वो बता पाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, डिफरेंस बिल्कुल देखो, डिफरेंस. मैं ये बताना चाहता हूँ, मुंबई में मैं जितना क्रिकेट खेला है, मुंबई में ज्यादा एमसीए का टारगेट ही होता है डेज क्रिकेट खिलाने का। तो वहाँ पे अंडर 14 से ही आपके डेज मैच स्टार्ट होते हैं। अगर आप केनिया की नज़र से देखोगे तो यहाँ पे T20 और वनडेज को ज्यादा दिया जाता है, यहाँ पे डेज मैच इतने नहीं होते। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा डिफरेंस है मुंबई क्रिकेट में, केनिया क्रिकेट में, जो आपकी है वहाँ पे डेज क्रिकेट को फोकस किया जाता है और यहाँ पे T20 वनडेज के लिए फोकस किया जाता है।
केनिया पे, यहाँ पे ज्यादा आप कह रहे हैं कि ओडीआई और T20s को जो शॉर्टर फॉर्मेट है उनको ज्यादा फोकस किया जाता है, पर हम लोग मतलब बचपन से जो है, जो कि आप लोग क्रिकेटर्स हो या फिर जो हम लोग मतलब क्रिकेट जो पैशनेट पर्सन है, हम लोगों को पता है कि मतलब इंडिया में जो है जो बेसिक जो क्रिकेट शुरू होता है वो टेस्ट क्रिकेट से शुरू होता है, मतलब डेज मैचेस से, पर केनिया में कुछ अलग है। क्या आप इसके साथ सहमत हो? देखो बात यह है कि जैसा लगाव और जैसा एटमोसफेयर होता है उसमें हमें ढलने की वो नहीं चाहिए। लाइक कि मुझे भी टफ होता है कि मैं भी एक डेस्ट स्टेज पर खेलते हुए आ रहा हूँ, अचानक मुझे T20 खेलने को मिल रहा है, मुझे भी टफ हो रहा है। बट जैसे यहाँ से भी केनिया से भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर निकले हैं, जैसे कि स्टीव टिकोलो है, बहुत स्टीव बड़े बड़े टिकोलो, नाम। फिर थॉमस हाँ मोलोया भी है, हाँ तो मतलब थोड़ा ये ये सुने सब क्या प्लेयर करो है। उनको? हाँ ये सब काफी बड़े बड़े प्लेयर हैं, ऐसी बात नहीं है केनिया का लेवल का डाउन है, लेवल अच्छा है, बट कंपटीशन अच्छा है बट कंपटीशन हर जगह है। हर जगह है वही। एक्चुअली बात ये है 2003 कि जैसे कि मुझे जो लगता है कि फुटबॉल जैसे होता है कि वहाँ पे 32 टीम खेलता है फीफा पे, पर क्रिकेट पे क्या होता है बस 10 से 16 टीम खेलता है, तो कंपटीशन जो मतलब स्पोर्ट्स रहता है ना जो टीम का खेलने के बहुत कम है, तो इसलिए शायद इन लोग को मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है। और जैसे कि मुझे पता है अमेरिका भी क्रिकेट खेलता है, बहुत कम लोगों को पता होगा ये सब बात, जैसे कि स्कॉटलैंड जैसे टीम हाँ ऊपर ये लोग को चांस कम मिलता है, तो वही है। ठीक है, तो क्या है ना कि हमारे इंडिया में कि हमारे क्रिकेट इंडिया में को क्रिकेट बहुत को अच्छा दिया जाता है, बहुत यहाँ दिया पे जाता है, डिवाइड यहाँ कर पे दिया, यहाँ पे डिवाइड फुटबॉल के लिए ज्यादा फुटबॉल दिया के लिए जाता है, ज्यादा दिया यहाँ पे ये जाता है। डिफरेंस हाँ है। तो आप एज अ कैप्टन भी खेले हैं, आप एज अ प्लेयर भी खेले हैं, तो एज अ कैप्टन आपने पृथ्वी शॉ, फिर अर्जुन तेंदुलकर जो है, फिर प्रवीण धनवर है जिन्होंने 1000 रन बनाए थे यू नो हाई सेकेंडरी स्कूल क्रिकेट लेवल पे, तो इन लोगों को कैप्टन किया, तो एज अ प्लेयर खेलना और एज अ कैप्टन खेलना में जो डिफरेंस होता है वो आपके थ्रू से जानने में बहुत अच्छा लगता है यू नो। देखो मेरा कहना तो ये है, चाहे वैसा कैप्टन खेलो चाहे वैसा प्लेयर खेलो, मेरे ख्याल से इतना डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो बैट्समैन को बैटिंग करनी है, बॉलर को बॉलिंग करनी है, फील्डर को फील्डिंग करनी है। बट कैप्टन का काम क्या है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको सलाह देना है कि हम लोग बॉलर जो बॉलर है हम लोग ऐसे ऐसा करते हैं, शायद ये हमारा प्लेयर सक्सेस हो। क्योंकि अगर आप ज्यादा कैप्टन पर कोई प्रेशर लेता है कि मैं कैप्टन हूँ मुझे कुछ ही करना है, तो वो अच्छे के बजाय गलत हो जाता है। उसे अपनी टीम पे ट्रस्ट रखना चाहिए, अपने बैट्समैन पे ट्रस्ट होना चाहिए, बॉलर पे ट्रस्ट होना चाहिए। जब थोड़ा सा उन्मिष भी लगता है तो उसको जाकर बात करनी चाहिए कि ऐसा ऐसा करते हैं, ऐसे करके हम अच्छा कर सकते हैं। तो डिफरेंस ओके ओके ही है, लेकिन मेरे ख्याल से कि प्रेशर नहीं लेना चाहिए कैप्टनशिप वही का कैप्टनशिप का प्रेशर। कैप्टनसी का प्रेशर नहीं लेना चाहिए, पर हम लोगों को पता है कि मतलब एक कैप्टनसी होने से एक अलग सा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, तो क्या आपके भी आपके ऊपर भी वो सब कुछ आया था वैसा, मतलब हाँ मुझे स्टार्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी में तो जब होता ही मैं है, स्कूल क्रिकेट भी खेला तो मैं वहाँ पे भी कभी कभी कैप्टन बनता रहा था, मैं किसी भी टूर्नामेंट में कैप्टन भी था। तो प्रेशर उस टाइम पे तो मुझे इतना नहीं पता था कि कैप्टनशिप का इतना वो नहीं रहता, मेरे को प्रेशर उस टाइम पे बहुत था। अंडर 16 का भी मैं कैप्टन था, प्रेशर मुझे वहाँ पे था, लेकिन अभी एक्सपीरियंस मिल चुका है मुझे कैप्टनशिप का, तो अभी मेरे को प्रेशर नहीं आता। लेकिन हाँ उस टाइम पर अगर आप पूछोगे अंडर 14 या 16 खेलने के टाइम पर, तो मेरे पास लाइक मैं रात में सोचता रहता था, मुझे नींद भी नहीं आती थी यार कल एक मैच है कैप्टन है, क्योंकि मुझे वो दिन याद है हमारा मैच अगेंस्ट सौराष्ट्र था राजकोट में। मैं ड्रेसिंग रूम से उतर रहा था नीचे, मतलब टॉस के लिए जा रहा था, तो साइड में जो ऑडियंस थी सौराष्ट्र की वो बोल रही थी कोई मुंबई कैप्टन मुंबई कैप्टन। तो लाइक जो फील उन्होंने दिया मुझे, तो मुझे लगा कि नहीं मुंबई से कैप्टन बनना ही बहुत बड़ी बात। वही वही ये बात, क्योंकि मैंने ना मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ। गौरव कपूर को तो आप जानते होंगे जो पॉडकास्ट, हाँ हाँ, तो उनका एक स्पॉटिफाई में पॉडकास्ट आता है 22 यार्ड्स नाम का, तो ओके वहां पे ओके हाँ एक तो वहां पे ना एक वो उन्होंने मतलब ऐसा जो गेस्ट होता है वो बुलाते रहते हैं किसी ना किसी को, एक बार सुनील गावस्कर, हर्षा भोगले, तो ऐसे ही एक बार एक जो स्काउटर्स होता है ना, स्काउटिंग करते जो सिलेक्टर्स होते हैं, तो उन लोगों में से एक को बुलाया था, ठीक है, तो वो बंदा वो जतिन परांजपे पे शायद नाम था उनका, तो वो भी मुंबई क्रिकेट के लिए खेल रहे, ठीक है, तो खेला है बड़ा बात है, पर वो लोग मतलब अजीत गारकर उन लोग के साथ खेला है उस टाइम का, तो वो कभी इंटरनेशनल नहीं खेले, उनका ये कहना था कि मैंने मुंबई टीम को रिप्रेजेंट किया, हाँ भले ही मेरा टारगेट था इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना पर मैं खेल नहीं पाया, पर मैं जो मुंबई क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर पाया उसका एक अलग सा ही बात था, अलग सा ही गर्व था, फिर ऐसा महसूस ही नहीं होता कि ठीक है इंटरनेशनल नहीं खेला, ठीक कोई बात नहीं मुंबई तो खेल लिया। आपके माइंड में कभी ऐसा आया, या फिर आप जिसे भी जानते हैं किसी ने ऐसा सोचा है? नहीं देखो आपकी बात सही है बिल्कुल, लेकिन मुंबई से खेलना अपने आप में गर्व है, और एज अ कैप्टन खेलना वो भी गर्व की बात है। लेकिन अगर आप मुंबई के लिए खेल रहे तो अपने सपने छोटे नहीं करने चाहिए कि यहाँ मतलब मुंबई खेल लिया मुझे इंटरनेशनल नहीं खेलना। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे, देखिए और एक जो बात है जो मैं कहना चाहता हूँ आपसे वो है कि इंडिया में बाएं हाथी बल्लेबाज है बहुत ही है, पर
कुछ प्लेयर्स हैं जैसे कि सौरव गांगुली, फिर स्मृति मंधना, ये लोग मतलब हर काम दाएं हाथ से करते हैं। और इन लोग के जो बाएं हाथी बल्लेबाज करते हैं, इन लोग के का एक बात है कि मतलब इन लोग के जो बड़े भैया होते हैं, मतलब बड़े भैया क्रिकेट खेलते थे और वो लोग लेफ्ट हैंडेड थे, तो इसलिए उन लोग को भी सेम किट यूज़ करना था, तो इसी वजह से वो लोग भी वही किट यूज़ किया और बाएं हाथी बल्लेबाज बने। तो आप जो एक बाएं हाथी बल्लेबाज हो, तो आपके पीछे भी क्या ऐसा कोई राज या कहानी है या बहुत कुछ अच्छा क्वेश्चन लेजेंडरी किया है है? आपने कि बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, लेकिन मेरे ना बड़ा भाई है नहीं, और बचपन में मेरे को राइटी बनाने की बहुत कोशिश की गई थी। लाइक मैं बचपन से लेफ्टी ही था, तो मेरे को मौसी वगैरह जो थी वो राइट से लिखवाती थी, कुछ लेता था तो लेफ्ट हैंड मेरा ऑटोमेटिक आगे जाता था वो आदत। लेकिन मैं लेफ्टी ही पता नहीं क्यों, और फिर गौतम गंभीर को मैं लाइक करने लगा, और लेफ्टी बैटिंग तो मैंने गौतम गंभीर को देख के ही की थी। तो मेरी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं आया कि बड़े भाई का सामान यूज किया ना, लेकिन हाँ मैं शुरू से ही लेफ्टी था। अच्छा, तो आपका जो क्रिकेटिंग जर्नी है, क्या ये गौतम गंभीर से इंस्पायर्ड है? हाँ नहीं, गौतम गंभीर से पहले मैंने क्रिकेट खेलना तो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मैं सीरियस नहीं था वो टाइम पे, मैं स्कूल भी जाता था। बट जब गंभीर को मैं खेलते हुए देखता था, गंभीर सहवाग की जोड़ी थी वो टाइम पे, तो मैं गंभीर को देख के इंस्पायर हुआ था मैं। और एक दिल्ली में टूर्नामेंट था जिसमें मैं बेस्ट बैट्समैन बना था, तो गंभीर ने मुझे अपने हाथ से एक ट्रॉफी दी थी, तो वो मोमेंट जो था वो उनके लिए क्या कि इनके जैसा मुझे बनना है, आज ये दे रहे हैं मैं भी कल को देना चाहता हूँ किसी को। अच्छा, ये तो बहुत ही बढ़िया है, तो समथिंग रियली अप्रिशिएबल। तो और यू नो, और एक जो बात है, सबके लाइफ में अप्स और डाउन्स होता रहता है, तो आपके लाइफ में भी एक ऐसा मोड़ आया, जैसे कि होता है ना कि आप समुंदर में तैर रहे हो, अचानक से एक बड़ा लहर आके आपको मतलब धक्का मार के फेंक देता है, तो वैसे ही एक कहानी है आपके लाइफ में बहुत ट्रेजिक वाला, जो आपके पापा को लेकर, तो उस विषय को मतलब वो कंसेप्ट मेरे को ठीक से क्लियर नहीं, और जो भी सुन रहे हैं शायद वो लोग पता होना चाहिए कि आपके साथ क्या हुआ है। हाँ बिल्कुल, तो बात ये थी कि इनको कैंसर था, और ये हमें बहुत लेट मालूम पड़ा था। और मैं एक्चुअली जब मैं मुंबई में मैचेस खेल रहा था, और हमें टाटा कोई हॉस्पिटल था वहाँ से रिपोर्ट कराई थी, तो वहाँ से उनको कैंसर पॉजिटिव आया था और थर्ड स्टेज का कैंसर था। तो फिर मैंने मैचेस संडे का मैच खेल के फिर मैं अपने फैमिली के पास, मम्मी पापा के पास प्रैक्टिस वगैरह मैंने बंद कर दी, क्योंकि कैंसर जब तक नहीं था हमें टेंशन नहीं थी ना मेरे डैडी जी को ना मुझे को ना मेरे को ना मेरी बहन को। बट जब कैंसर सुना तो तरह से मेरे पैरों से जमीन खिसक गई थी, ऐसा हो गया था। और मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे लगा कैंसर का भी ट्रीटमेंट होता होगा, बट जब मैं डीपली गया तो मैं एकदम ब्लैंक हो गया था, मैं तो समझ नहीं आ रहा था करना क्या। टाटा हॉस्पिटल में इलाज चला पर वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ, फिर दिल्ली भी गए, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, तो जो जहाँ बोल दे आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, ये पैथिक, जो सी पैथिक, जितनी पैथिक जितनी भी थी हमने सब किया था। और 1 जनवरी को हमारे साथ सोए थे वो, लेकिन हैप्पी न्यू ईयर बनाया, पर 2 जनवरी की मॉर्निंग को हमारे साथ उठे। पर जो जो मूवमेंट था कि लाइक मेरी बहन उठा रही है, मैं उठा रहा हूँ, मम्मी उठा रही है, बट वो नहीं उठ रहे थे। मैंने फर्स्ट टाइम उनको गोदी में लिया था, और हम लोग थर्ड फ्लोर पे रहते हैं, तो उठा के उनको मैं लाइफ में मैं कभी गोदी में लिया नहीं उनको। और मम्मी आगे गाड़ी की चाबी लेके जा रही थी, मेरी हालत तो ऐसी थी गाड़ी चला भी देता पर मम्मी नहीं चला पाती, मम्मी गाड़ी एक चला लेती। तो मैंने बोला मम्मी आप पापा जी के पीछे बैठो, क्योंकि हमें पता नहीं था हुआ क्या है, हम एकदम शौक थे, सोच नहीं देता, मैं लगा कुछ हो तनल जो भी था। मैंने बहन को बोला लॉक बॉक किया था, बहन वहीं पे रुको। और जब मैं कार ड्राइव कर रहा था तो मुझे याद है मेरे हाथ ऐसे ऐसे और कुछ भी हो रहा था, मतलब मुझे याद नहीं है क्या हो रहा था। और 2 से 3 किलोमीटर एक हॉस्पिटल है हमारे घर के पास, वहाँ पे हम लोग गए, लाइक एकदम मैंने एंट्री भी फास्ट कर दी, मैंने कुछ नहीं देखा लोग हैं क्या है, मुझे पता नहीं था, मुझे बस अपने पापा को ठीक करना। उठा के फिर मैंने गोदी में लिया, तो वो लेके आ गए थे नर्स वाले, वो आते उस पर लखा ले। उसके बाद जब 10 मिनट बाद जब डॉक्टर ने बताया, तो मोमेंट ये था कि बहन के कॉल्स आ रहे थे कि क्या हुआ क्या हुआ, और मम्मी मेरे सामने थी, तो मेरे लिए वो टाइम जो था वो मेरे पास वर्ड्स नहीं है बताने के लिए कि मैं कैसे शेयर करूं। बट मैं चाहता हूं कि ऐसा टाइम किसी के साथ नहीं, किसी के साथ भी ना हो, और मेरे ख्याल से जितने भी ह्यूमन बींग्स थे पूरे वर्ल्ड में, मैं चाहता हूँ किसी भी इंसान के साथ होना नहीं चाहिए। ये सब चीज़ ऐसे है कि मतलब बहुत ट्रेजिक इंसिडेंट है, पर होता रहता है लोग हमेशा, मतलब हर किसी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा होना ही है जो लिखा रहता है, यू नो। बात ये और थी मैं ना आप कंफ्यूज हो गया था कि मैं जिनके लिए क्रिकेट खेल रहा था आज वो ही नहीं रहते, मैं क्रिकेट किसके लिए खेलूं। किसके लिए खेलूँ, है ना।
ये सब क्वेश्चंस मेरे माइंड में आ रहे थे वो टाइम पे। उनके उसके बाद जो है, तो उसके बाद थोड़ा टाइम भी अच्छा खासा वक्त लगा शायद आपको, यू नो, फिर से क्रिकेट ज्वाइन करने के लिए। तो कितना ऐसा क्या, कितना महीना ऐसा था कि आप बस ऐसे नंब नंब जिसको बोलते हैं वैसे? मैं आप समझ लो, मैंने 2 साल 2 ईयर मैंने सीरियस क्रिकेट नहीं खेला, क्योंकि 1.5 साल तो 1.5 साल तो उनके इलाज विलाज में निकला, और उनके होने के बाद मैं प्रैक्टिस करता था तो लाइक कि कर प्लेड रहा हूँ, हो कुछ और रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, कैचेस पकड़ रहा हूँ, कैच ड्रॉप हो रहे हैं, फील्डिंग कर रहा हूँ, फील्डिंग नहीं हो रही है, तो मुझे उसमें दिमाग मेरा वहीं था। मेरे बिहेवियर ट्रेनर हैं शैलेश कुमार पांडे, मिस्टर शैलेश कुमार पांडे सर, वो 2010 से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वो एक्चुअली मेरे को रास्ता बताते हैं, उनका मतलब जॉब ही यही है कि हाँ मेंटली प्रिपेयर करते हैं वो। तो उन्होंने काफी मुझे सपोर्ट दिखाया, और जब मेरे नेगेटिव थॉट्स थे कि मैं किसके लिए क्रिकेट खेलूं और क्यों खेलूं, जिसके लिए खेलना था वो मेरे साथ नहीं है, तो उन्होंने जो भी डाउट्स क्लियर किए, उसके बाद उन्होंने फिर मुझे वापस मैदान में उतारा कि तू वही पुश कर रहा जो 2 साल पहले था, जो कैप्टन रह चुका है अंडर 16 का, तो ये सब चीजें उन्होंने बताई। तो फिर वापस मम्मी ने भी, और मेरी दोनों दीदी ने, जिनका दोनों बड़ी दीदी है, ज्योति दीदी और निधि दीदी, उन लोगों ने भी मुझे काफी सपोर्ट किया। और मम्मी तो खैर, का नाम श्रीमती सुषमा शर्मा है, उन्होंने तो मतलब मेरे को ऐसे बोल दिया कि क्रिकेट जो पहले खेलते थे उससे डबल खेलो, अब तुम्हें कुछ करना ही है, उनके उनके लिए कुछ करना है, ताकि वो जहाँ भी रहें कि सोच के रहें कि चलो मेरे बेटे का सपना, मेरा उनका सपना पूरा करना है, ऐसा करके फिर मेरे को मोटिवेट किया, फिर मैं इस मैदान में वापस। हाँ, मैं भी आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, यू नो, ये सुन के बहुत ही खराब लगा, मैंने पहले भी सुना था पर एक्चुअल इंसिडेंट जो है मुझे पता नहीं था। अब एक बात है जो मैं हर किसी को बोल के आता हूँ, मैं आपको भी कहना चाहूँगा, यू नो, शेयरिंग, वो है कि देखो हम सभी को पता है कि सबके लाइफ में ना अप्स एंड डाउन्स तो होता है, कुछ ना कुछ ऐसा होना ही है। तो जब हम चलते हैं ना, कभी अगर आप सोचे कि आप रास्ते से चल रहे हैं, यू नो, और कभी बम्पर देखा है ना रास्ता में, बम्पर या स्पीड ब्रेकर, तो क्या होता है कि हम जब भी बम्पर से ऐसे अटकते हैं ना, मतलब जस्ट गिरते गिरते बच जाते हैं, तो क्या होता है कि 4-5 स्टेप आगे निकल जाते हैं। और तो हम लोग तो आपको भी या फिर जो भी सुन रहे हैं, अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिन्हें कोई भी हर्डल्स आता है, उन्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। मेरा मैं भी ये फॉलो करता हूँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि इसे एक हर्डल जैसा लो, पर यू नो यू नीड टू मूव ऑन, यू नीड टू मूव ऑन, और मतलब, अगर आप सही से ढंग से करो ना, तो आप 4-5 स्टेप और आगे और जल्दी निकल जाओगे। जैसे कि आप सही बात है, ये डरना नहीं चाहिए कि अगर अगर स्पीड ब्रेकर है क्या करेंगे, कैसे क्या होगा, जाओ आगे देखो, अपने आप रास्ता खुलता चला जाएगा। मैंने तो उसी दिन प्रे की थी भगवान से कि भगवान ये दिन किसी को मत दिखाना लाइफ में। बिल्कुल। तो और एक अभी एक बात कहना है कि भैया पुष्कर भाई, मैं आपके बारे में, आपका एक और एक अनोखा टैलेंट है जो मुझे पता चला है, पर आपने अभी तक फिलहाल 2-3 इंटरव्यू या फिर उससे भी ज्यादा दिए होंगे, पर वहाँ पे वो एक्सप्रेस नहीं हुए, यू नो, आपके साथ एक एक चीज का बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, पर मैं बताऊंगा जरूर, पर उसके पहले एक हम गेम खेलेंगे, यू नो, ये सिचुएशन गेम। सिचुएशन गेम मतलब मैं आपको बस सिचुएशन दूंगा, क्रिकेट से जुड़े हुए होंगे, बस आपको सिलेक्ट करना है कि यहाँ पे कौन सा बैट्समैन या बॉलर आप चूज करेंगे। ओके, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। तो पहला सिचुएशन ये है कि आप एक टीम के कप्तान हो, ठीक है, आप एक टीम के कप्तान हो, और आपके ऑपोजिशन में एबी डिविलियर्स और आंद्रे रसल बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, एक स्ट्राइकर पे, एक नॉन स्ट्राइकर पे, 12 बॉल में 35 रन चाहिए, ठीक है, 2 ओवर बचा है, ऐसा कौन दो बॉलर है आप जिन्हें बॉल गेम डालने बोलेंगे? फर्स्ट ओवर मैं बुमराह को दूंगा, 19 ओवर बुमराह, हाँ, फर्स्ट ओवर, सेकंड ओवर भुवनेश्वर कुमार को दूंगा। भुवनेश्वर कुमार बहुत ही दोनों बहुत ही मस्त है, मुझे उम्मीद है बचा लेंगे अपना टीम। पर एक बात भुवनेश्वर कुमार के बारे में कि यू नो क्या आपको ऐसा लगता है कि जब आप भुवनेश्वर का बात कर रहे हैं, तो मैं जस्ट लाया कि भुवनेश्वर कुमार यू नो पहले हम बहुत अच्छा स्विंग करता था, यू नो बीच में फिर सनराइजर्स के लिए बहुत डेथ में बहुत अच्छा किया, पर अचानक से क्या वो स्विंग और फास्ट बॉलिंग यू नो मिक्स करते करते क्या वो अपना जो एक्चुअल जो स्विंग है वो खो रहा है? क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। हुआ क्या था कि जब उन्होंने डेब्यू किया था पाकिस्तान के अगेंस्ट, आपको याद होगा कि इन स्विंग पे सबको बोल्ड किए जा रहे थे, मोहम्मद हाफिज का बॉल, वो इन स्विंग, बाप रे, वो सब बॉलिंग, यस करेक्ट। तो क्या हुआ, भुवनेश्वर कुमार उस टाइम पे ये नहीं सोच रहे थे मुझे स्पीड क्या करनी है, स्पीड क्या डालनी है, उनका कॉन्सेंट्रेट सिर्फ स्विंग पर। बट जैसे जैसे क्रिकेट आगे बढ़ता गया, तो उनको लगा कि नहीं मेरे को भी स्पीड की भी जरूरत पड़ सकती है, तो उन्होंने उस पर वर्कआउट किया। अब ऐसा हो गया उनके साथ कि स्पीड इंक्रीज तो हुई बट स्विंग उनका कम हो गई,
जिनका नेचुरल स्विंग था, अगर वो नेचुरल स्विंग ट्राई भी कर रहे हैं तो वो नहीं हो रहा है, बिकॉज उन्होंने स्पीड इतनी इंक्रीज की है। अब उन्होंने बीच में अपनी पुरानी वाली बॉलिंग भी ट्राई की थी, बट वो भी नहीं हुई। अभी अच्छा क्या कर रहे हैं, वो इसी चीज पे मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वो खिलाड़ी कभी रुकेगा नहीं। आज इनका दिन खराब है, 5-6 महीने बाद 1 साल बाद वापस वो उसी फ्लो में आ जाएगा, मेहनत कर रहे हैं वो। तो अगला सिचुएशन वाला क्वेश्चन ये है कि फिर से आप कप्तान हो, ठीक है, पर इस ठीक बार है, ठीक है। शॉर्टर फॉर्मेट है, लॉन्गर फॉर्मेट है, टेस्ट क्रिकेट है, डे 5 है, और आपको ऐसा 2 प्लेयर चुनना है जो मतलब पूरा डे 5 तक बैट कर सकते हैं और आपको एक गेम मतलब बचा सकते हैं ड्रॉ करके, ऐसा 2 बैट्समैन कोई भी हो सकता है। विराट कोहली और गौतम गंभीर। विराट कोहली और गौतम गंभीर आप चाहते हैं डे 5 में दोनों बैटिंग कर रहे और पूरा बैटिंग करते रहे करते हाँ। रहे करते रहे बॉल, क्योंकि विराट कोहली आज के टाइम पे ऐसे बैट्समैन बन चुके हैं उनको बहुत टफ है आउट करना, और गंभीर को मैं जानता हूँ टेस्ट क्रिकेट में, अगर आप बहुत बड़ा नाम है उनका, एक्सपीरियंस है उनके पास बहुत, इसके लिए मैं गंभीर। बिल्कुल बिल्कुल। और जो लास्ट सिचुएशन है अभी फिलहाल, उसके बाद और भी गेम्स है और भी फन बहुत कुछ है, जो लास्ट सिचुएशन है वो है कि आपकी ऑपोजिशन, फिर से आपकी ऑपोजिशन, ठीक है, फिर एक ODI मैच चल रही है, आपके ऑपोजिशन ने कुछ रन बनाया, ठीक है, पर आप लोग भी उतरे, ठीक है, और 20 ओवर में आप लोग लगभग 100 रन बनाए, फिर अचानक से बारिश आ जाता है और DL मेथड पे स्कोर होगा। अभी डकवर्थ लुईस मेथड के अनुसार 10 ओवर में 130 रन बनाना पड़ेगा आप लोगों को, ऐसा कौन 2 बैट्समैन हो जो आपके लिए 10 ओवर में 130 रन निकाल सकते हैं? MS धोनी और रसल। MS धोनी और एंड्रयू रसल के तो दोनों बहुत ही नाम, मैं दोनों को लेना चाहता हूं। बिल्कुल, तो ठीक है, तो फिलहाल ये क्वेश्चंस खत्म हो गया। और अभी जो मैं जो बात कर रहा था, आपकी शायरी, आपकी शायरी के साथ कुछ कनेक्शन अलग ही है, यू नो, तो जो बहुत कम जगह पे दिखता है, यू नो, तो ये कनेक्शन क्या है आपकी शायरी के साथ? शायरी का देखो अपना अपना सबका रुचि होती है, अपना अपना क्या पसंद है। मेरे को भजन भी एक तरह से पसंद है, एक इंटरव्यू में भजन की बात आई थी, शायरी कब तक नहीं आई पता नहीं आपने कहाँ से निकाली, मुझे नहीं पता, बट हाँ शायरी में मेरा बहुत पहले से ही मेरा लगाव है और आज भी है। ऐसी बात कभी कभी नींद नहीं आती तो कभी भजन सुन लेते हैं, और कई दिन कभी शायरी सुनने का मन करता है, ऐसा भी होता है। तो मुंबई से, मुंबई छोड़ के अभी आप केनिया पे आए, अपने घर को तो, अपने घर को तो बहुत मिस करते होंगे, तो ये अगर आप एक शायरी के तौर पे हम लोग को समझा पाए तो बहुत अच्छा लगेगा। शायरी में आप सुनना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका एक अलग सा प्रतिभा है। बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने। मैं भी बस विश करता हूँ यार, मुंबई शहर बहुत अच्छा था, वैसे आपने बोला शायरी में आपको बताना है कि शायरी, देखो आप जानते हो मुंबई शहर क्या है, वैसे मुंबई शहर को मैं बहुत लाइक करता हूँ, और उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, और कुछ दिन मुंबई शहर में रुकने का बहाना मिलता, उस शहर में मुझे कोई तो अपना मिलता, और कुछ दिन मुझे शहर में रुकने का बहाना मिलता, मैं जो कुछ भी था मिट्टी था, वो अगर ढूंढते मुझ में तो खजाना मिलता। तो कुछ है हुआ ऐसा कि जब तक मुंबई में था लोगों को वैल्यू नहीं मालूम थी, बट मुंबई छोड़कर आज मैं यहाँ हूँ तो आज वो लोग भी मैसेज और टेक्स्ट और कॉल्स कर रहे हैं जिनसे मेरी कभी इन बात भी नहीं हुई, मुलाकात भी नहीं हुई, कभी टेक्स्ट भी नहीं हुआ, आज वो कह रहे हैं पुष्कर तुम चले गए बताया नहीं, एंड ऑल, जब मैं वहां था तो आप लोग कहाँ थे? तो आज वही मैं बोला तुमको कि जो कुछ भी था मिट्टी था, और जब ढूंढते मुझ में तो खजाना मिलता, तो इसीलिए मुंबई की याद तो आती है, लोग बहुत अच्छे हैं, मुंबई का जितने भी हैं सारे बहुत अच्छे लोग हैं। तो और एक शायरी, ये तो पहला हुआ, ठीक है, मैं और एक चीज जो पूछने वाला हूँ वो कि आपके लाइफ में भी एक दर्द है, यू नो, आप हंसते, आपका जो स्माइल है, मुस्कुराहट है, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, पर ये मुस्कुराहट से ना आप कुछ ऐसा लगता है कभी कभार कि आप कुछ छुपाते हैं अंदर का दर्द। नहीं नहीं देखो क्या है ना, कि जो अगर आपके 100 चाहने वाले लोग हैं तो 10 उसमें से दुश्मन भी, लाइक कि अगर आपके वो फेस पे नहीं बोलेंगे तो आपके दोस्त को वो जरूर बोलेंगे कि यार ये पुष्कर तो बहुत पहले से मुंबई में है, इसलिए इसकी चलती है, इसलिए इसको कप्तान बनाया जाता है, हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। मेरे को भी सुनने सुन, मेरे को भी दोस्त बताता था, पर मैं आज तक, मेरी आदत क्या है ना, मैं किसी से लड़ता नहीं हूँ, मतलब कि मुझे प्रूफ नहीं करना है कि भाई तू गलत, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, तू जो भी XYZ, मैं कि तू खुश रहे, तेरी सोच है, मैं अपनी सोच में खुश हूँ। तो ऐसे जो लोग होते हैं ये जो कि तुमको बोलते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि इतनी गंदी सोच तुम्हारी हो सकती है, मेरी नहीं,
तुम जैसों से दूर रहने की आदत डाल रहा हूं मैं। तुम सोचते थे काश हम भी मुंबई का रोते, जाओ तुम्हारे नाम मुंबई लिखता हूँ। तो आज आ गया हूँ नैरोबी में, मुंबई तुम्हारे नाम है, जो करना है कर लो। लेकिन उनको ये भी पता है पुष्कर अब वापिस आएगा, और किस्मत उनकी खराब है, लॉकडाउन हो गया है, 1 साल तो कुछ कर नहीं सकते। तो देखते हैं उनको भी क्या कर रखते हैं। उनको ये जो डाउट था कि पुष्कर कैप्टन रहता है उसके वजह से हमें मौका नहीं मिलता, तो अब उनके पास पूरा मौका है जो प्रूव करना चाहते हैं। देखिए आई थिंक मुझे जो लगता है कि ऐसा सोचना सही नहीं है, क्योंकि सब हर कोई खेलने के लिए लड़ता है, हर कोई परफॉर्म करता है। अब ये अपना अपना टाइम आता है, जो मैं बहुत सारे जो सीनियर क्रिकेटर्स थे वो लोग कभी जब अगर इंटरव्यू सुनते हो तो वही पता चलता है कि ऐसा बहुत कुछ हुआ है। तो वही है बात, उन लोग को मैं कहना चाहता हूँ यार, फोकस ऑन योर लेकिन फ्यूचर। शायरी का आपने पता नहीं कहाँ हाँ से निकाला, बट ये किसी को मैंने बताया नहीं था आज तक। आज अब आपको आने वाले पता, इंटरव्यूज आने वाले में इंटरव्यूज में फिर ये भी अब हाँ शुरू हो जाएगा। ये भी शुरू हो जाएगा, है ना? आपके जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, कुछ वीडियोस पे पीछे ना शायरी बजता है, बस शायरी बजता है। नहीं वो क्या हुआ ना, मेरे फैंस मेरे को भी फैंस मालूम पड़ गया है मुझे को भी शायरी मुझे बहुत शायरी पसंद बहुत है, पसंद और है। मुझे अच्छा लगता मुझे है। अच्छा सीरियसली लगता है मेरे कि को जो मेरे फैंस फैंस कुछ कुछ ड्राइंग्स भेजते हैं ड्राइंग्स मेरे भेजते फोटो हैं के, मेरे मैं उनको फोटो के, अपलोड मैं करने उनको वाला हूँ, अपलोड करने वाला हूँ, और और कुछ कुछ मतलब वीडियो बना के वीडियो भेजते बना हैं के मेरे लिए, भेजते और हैं बहुत मेरे प्लेस फोटो मेरे के, और मेरे मेरे परिवार परिवार की की तरफ तरफ से से आपको आपको बहुत बहुत सारा सारा फैन। फैन। तो ये ये सब सब चीज चीज आपके आपके पास पास सब सब आती आती है है ना, ना, तो तो आपको आपको खुद खुद करने करने की की इच्छा इच्छा जग जग जाती जाती है। है। अब अब इन इन लोगों लोगों के के लिए लिए करना करना है, है, तो तो आपने आपने बोला बोला वीडियो वीडियो सुन सुन के के हाँ हाँ उनको उनको पता पता था था स्ले स्ले शादी, शादी आपने आपने नोटिस नोटिस कर कर लिया लिया है है बात। बात। हाँ मैं नोटिस किया। आप कप्तान रहे हैं, पृथ्वी शॉ, फिर अर्जुन तेंदुलकर, प्रवीण धनवार, इन लोगों के, तो इन लोगों के साथ थोड़ा बहुत ड्रेसिंग रूम कहूँ कि आप, हाँ, तो वो सब शेयर किए हैं और बहुत सारे मेमोरीज भी हैं। तो ऐसा कोई फनी मेमोरीज या फिर कोई बहुत ही अच्छा मेमोरीज आप शेयर करना चाहते हैं उन लोग के साथ जो हुआ है, या फिर आपकी क्रिकेटिंग जर्नी पे अब तक हुआ है? फनी मूवमेंट तो नहीं, मैं एक तरह से जो जो उनके मैं साथ मैंने जो टाइम मैं साथ स्पेंड किया वो टाइम मैं शेयर स्पेंड कर किया वो सकता हूँ शेयर कर सकता कि हूँ कि जैसे कि हम अंडर जैसे कि 16 हम अंडर खेले थे 16 खेले तो थे तो पृथ्वी शॉ पृथ्वी मेरे शॉ मेरे साथी साथी था, था, और और एक्चुअली एक्चुअली हम हम लोग, लोग, मैं मैं अग्नि अग्नि चोपड़ा चोपड़ा पृथ्वी पृथ्वी शॉ, शॉ, हमारे हमारे रूम रूम अलग 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 थे, थे, कैप्टन कैप्टन का का अलग अलग रूम रूम होता होता है, है, बाकी बाकी लोग लोग का का टू टू रूम रूम में में कन्वर्ट कन्वर्ट होता होता है, है, तो तो मैं मैं उनके, उनके, या या फिर फिर वो वो मेरे मेरे रूम रूम में में है, है, मैं मैं उनके उनके रूम रूम में में रहता रहता हूँ। हूँ। हम करीबन हम पृथ्वी करीबन के पृथ्वी साथ, के जैसे साथ, मतलब जैसे वो मतलब मेरा मेरा डिनर डिनर भी भी साथ साथ में में था, था, ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट लंच, लंच, हम हम बहुत बहुत अच्छे अच्छे दोस्त दोस्त हो हो गए गए थे थे वो वो टाइम टाइम पे। पे। पृथ्वी पृथ्वी शाह शाह अटैकिंग अटैकिंग बैट्समैन बैट्समैन है, है, सपोज सपोज आपको आपको कुछ कुछ अगर अगर रन्स रन्स वगैरह वगैरह नहीं नहीं हो हो रहे रहे तो तो आप आप उनसे उनसे बात बात कर कर सकते सकते हो, हो, उन्होंने उन्होंने मुझे मुझे बहुत बहुत एडवाइस एडवाइस दी दी है, है, आज आज भी भी दे दे रहे रहे हैं, हैं, ऐसी ऐसी बात बात नहीं नहीं है, है, व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे पे बात बात होती होती है है हमारी। हमारी। और और मैं मैं बात बात करूं करूं अपने अपने प्रणव प्रणव धनावडे, धनावडे, प्रणव प्रणव धनावडे धनावडे ने ने आप आप जानते जानते ही ही विकीपीडिया विकीपीडिया उनका उनका 1009 1009 रन रन किए किए हैं हैं स्कूल स्कूल में, में, और और बहुत बहुत फेमस फेमस प्लेयर प्लेयर हो हो गए गए हैं हैं वो वो भी। भी। प्रणव धनावडे एक तरह से विकेट कीपर बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, वो भी अच्छे बैट्समैन है, क्योंकि क्या हुआ कि उसके बाद उनका सिलेक्शन स्लिप भी नहीं हुआ कि वो रन कर रहे थे, बट उसी टाइम पे मुंबई से 200, 250, 300, 150 ऐसे रन बैट्समैन बना रहे थे। हाँ मैंने देखा है कि ऐसा भी होता हाँ, है। और वो पृथ्वी हाँ को प्रणव प्रणव धनावडे धनावडे 50, 50, 80, 100, 80, 58, 100, 58, तो वो स्कोर से इनका वो इनका थोड़ा वो कम थोड़ा रहेगा, कम इसके वजह रहेगा, से इसके इनको वजह से आगे इनको मौका आगे नहीं मौका मिल नहीं मिल पाया। पाया। और मैंने प्रणव धनावडे के बारे में थोड़ा रिसर्च किया था, उनका जो 1000 रन है तो बहुत कोई ऐसा कहता है कि वो ग्राउंड छोटा था, फिर जो कोच थे उन्होंने एक लिमिट होना चाहिए कि उसके बाद एक रन हो जाने के बाद मतलब डिक्लेयर देना चाहिए, या फिर जो ओपोनेंट था ओपोनेंट उतना मतलब अच्छा नहीं था, शायद उन लोग का सीनियर क्रिकेटर्स रिटायर्ड था, क्या ये सच है? वो क्या जाने उस क्या प्रणव जाने पे उस क्या प्रणव पे गुजरी, क्या गुजरी, वो तो समुंदर से समुंदर से पानी पानी बनना बनना छोड़ छोड़ दिया। दिया। मेरा मेरा कहना कहना ये ये है है कि कि प्रणव प्रणव ने ने 1000 करे, मैं तो कहूँ 2000 करो यार। करो यार भाई वो क्यों भाई डिक्लेयर वो करेंगे, क्यों उनके डिक्लेयर कोच क्यों करेंगे, डिक्लेयर उनके करेंगे? कोच अगर क्यों आप कोच डिक्लेयर हो, करेंगे? आपका अगर स्टूडेंट हो, आप आप मुझसे मुझसे चाहते चाहते हो हो ना, ना, मैं मैं जितना जितना बेस्ट बेस्ट दे दे सकता सकता हूँ, हूँ, क्योंकि क्योंकि 1009 रन1009 रन करने के करने बाद के उनका बाद सिलेक्शन उनका नहीं हुआ सिलेक्शन और नहीं आप कह हुआ रहे हो और आप उनको कह रहे हो लिमिटेड उनको रन पे लिमिटेड आपको रन पे डिक्लेयर आपको कर डिक्लेयर देते कर हैं। देते भाई हैं भाई आप खुद सोचो, ऑब्वियसली जिसने 1000 नॉट आउट किया है और उसको किया है तुम उसको तुम नहीं नहीं सिलेक्ट सिलेक्ट हो हो पाए पाए हो, हो, तो तो मेरे मेरे ख्याल ख्याल से से और और बड़ा बड़ा करना करना चाहिए। चाहिए। ये ये सब सब चीजें चीजें बेकार बेकार है है कि कि डिक्लेयर डिक्लेयर कर कर दो दो या या वो वो सब सब अफवाहें अफवाहें तो तो उड़ती उड़ती हैं। हैं। देखो देखो जो जो चाहने चाहने वाले वाले वो वो अच्छा अच्छा बोलेंगे, बोलेंगे, और और जो जो नहीं नहीं चाहते चाहते हैं हैं वो वो तो तो नहीं नहीं बोलेंगे, बोलेंगे, चाहे चाहे वो वो 2000 2000 भी भी कर कर देगा देगा तो तो भी भी वो वो गलत गलत बोलेंगे। बोलेंगे, हाँ हाँ ग्राउंड ग्राउंड छोटा छोटा था था मैं मैं मान मान सकता सकता हूँ हूँ कि कि ग्राउंड ग्राउंड छोटा छोटा था, था, और और टीम टीम भी भी दोनों दोनों अच्छी अच्छी थी, थी, ऐसी ऐसी बात बात नहीं नहीं थी। थी। पर पर मेरा मेरा बात बात ये ये कि कि 1000 रन1000 रन बनाने बनाने के के लिए लिए भी भी मतलब मतलब अच्छा अच्छा खासा खासा शॉट शॉट होना होना चाहिए, चाहिए, शॉट शॉट सिलेक्शन सिलेक्शन सही सही होना होना चाहिए, चाहिए, फिर फिर फुटवर्क फुटवर्क जो जो आई आई हाई हाई एंड एंड आई आई कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन है, है, तो तो ये ये सब सब भी भी देखना देखना चाहिए चाहिए इन इन लोगों लोगों को, को, क्योंकि क्योंकि उनके उनके पास पास ये ये सब सब प्रतिभा प्रतिभा थी, थी, इसलिए इसलिए उन्होंने उन्होंने 1000 बनाया, बनाया, आई आई थिंक। थिंक। क्या क्या मैं मैं सही सही हूँ? हूँ? अगेंस्ट टीम के अगेंस्ट बॉलर टीम के बोल रहे बॉलर थे बोल सर रहे थे कि सर इंटरव्यू कि में मैं कि योर्कर मैं डाल योर्कर रहा डाल था रहा था, तो तो वो वो कन्वर्ट कन्वर्ट
अगेंस्ट द वाइड या वॉक्सटम पे बाहर डाला था, वो भी मार रहे थे। तो एक बैट्समैन में अपना टैलेंट होता है, यू नो कि विराट कोहली का भी एक टाइम तक एक साल रन नहीं हुआ था, पर एक आज वो ऐसे बैट्समैन है कि इंडिया रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों मिलकर आगे ले जा रहे हैं। तो प्रणव का वो दिन हो सकता है कि वो जो भी शॉट खेल रहे थे वो अच्छा जा रहा हो। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि इसने 1000 रन के लिए, हम नहीं सोच सकते कि इसने कैसे भी बना दिया होंगे रन छोटा एंड, क्योंकि बैट्समैन को सिर्फ एक बॉल लगता है आउट होने में। तो उनके टैलेंट है, वो टैलेंट की वजह से उन्होंने रन किया है, और ये चीज उनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वो दुनिया जानती है। और आपकी फेवरेट इनिंग्स यू नो अब तक क्रिकेटिंग की जर्नी पे? मेरा हाईएस्ट रन 261 रन है अगेंस्ट नहीं नहीं स्वाध्याय बीए के स्कूल माटुंगा मुंबई। तो उस गायल शील्ड में 261 रन जो किए थे मेरे लिए बेस्ट मोमेंट था, बट मेरे डैडी जी ने कहा था तुम्हें ये रिकॉर्ड तुम्हें तोड़ना है और जल्द से जल्द तोड़ना है, वो रिकॉर्ड मैं तोड़ूंगा। इतना भले आज यहाँ T20 है, पर यहीं पे T20 है, इन द वर्ल्ड कहीं भी खेलूंगा तो वहाँ T20 नहीं मिलेगा, देश जहाँ मिलेगा मैं पूरा ट्राई करूंगा अपना रिकॉर्ड तोड़ने का। तो फिलहाल आप केनिया में कितना कितना साल तक हो? कोई अभी ऐसा प्लानिंग नहीं है कि अभी बस छोड़ दिया है अपने समय पे अपने इनिंग्स पे, अभी लॉकडाउन हो गया तब देख नहीं सकते, नेक्स्ट ईयर देखेंगे क्रिकेट क्या रिजल्ट मिलता है, फिर आगे का प्लान आगे का देख कैसे क्या करना है। तो आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है, अगर अगर केनिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका मिल गया तो आप खेलोगे? बिल्कुल खेलेंगे, बिल्कुल उसी के लिए मैं खेलना चाहता हूँ, क्योंकि IPL अगर आपको खेलना है तो आप इंडियन 19 खेलने चाहिए या आप कहीं से भी इंटरनेशनल खेलने चाहिए या फिर रणजी ट्रॉफी। तो मेरे पास रणजी ट्रॉफी इंडियन अंडर 19 नहीं है, बट यहाँ से इंटरनेशनल खेलने का चांस है, तो मैं कोशिश पूरी करूंगा यहाँ से इंटरनेशनल खेल के कि वहाँ से मैं IPL में खेल सकूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, IPL भी, और अगर IPL भी नहीं हुआ तो अगर जो बहुत सारे लीग्स होते हैं जैसे कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग, CPL, अगर वहाँ वहाँ से वहाँ पे भी आपको अगर चांस मिल गया फिर वहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया तो IPL जरूर हो जाएगा। हाँ क्योंकि UAE वगैरह से भी मेरे को कॉल्स आ रहे थे कि वहाँ पे स्टार्ट हो गया है टूर्नामेंट वगैरह भी, तो बट लॉकडाउन है, मेरे को सेफ, मेरे फैमिली ने बोला अभी सेफ रहना, अभी रिस्की है एयरपोर्ट्स वगैरह पे जाना, इसलिए मैंने छोड़ दिया। वो भी लीक्स बहुत बड़ी बड़ी लीक्स हैं UAE में जो टाइम चल रही है, तो ये सब लीक से भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा अगर आप रन करते हो। हाँ क्योंकि सिलेक्टर्स का आंख है ना, वो मुझे जो पता है कि सिलेक्टर्स का आंख हर तरह घूमता रहता है, कब कहाँ कौन सा लीग पे चल जाएगा फिर आपको बस उठा लेगा। तो सिलेक्टर को अगर इस प्लेयर को लेना है ना तो उसका पूरा इतिहास निकाल लेते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, आप एक मैच में 100 किया है एक मैच से नहीं ले सकते, आप उसका पूरा बैकग्राउंड देखेंगे कहाँ का कितना कितना कैसे कैसे रन किया, उसके हिसाब से फिर वो सिलेक्ट करते हैं। तो एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, उतना कंट्रोवर्शियल नहीं है पर मुझे बस जानना, यू नो आई थिंक बताता हूँ आपको क्या है कि पृथ्वी शॉ का एक कप सिरप वाला इंसिडेंट शायद आपको पता है, कप सिरप जो बैंड हुआ था ना रिसेंटली। हाँ 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 हाँ, तो वो इंसिडेंट क्या आपको तो पृथ्वी शॉ से बात होता है, क्या कभी इस बारे में बात हुआ कि आप? मैं आपको सच बताता हूँ कि देखो मेरा अच्छा दोस्त है, मैंने उस टॉपिक पे आज तक उससे बात नहीं की और ना उन्होंने मुझे सामने से बताया, क्योंकि जो भी हुआ वो उसकी लाइफ है और वो मीडिया, मैं उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता हूँ, वो भी मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता, तो मैं सच ही बोलूंगा कि IT मुझे इसका कुछ नॉलेज नहीं है, क्योंकि इस पृथ्वी शाह के लिए भी ऐसी नहीं जुड़ी थी, एक दो प्लेयर्स और हैं उनके लिए भी ऐसा हुआ है, तो मैं ये सब चीजें, वो भी मेरे व्हाट्सएप पे है, मैं ये सब चीजें उनसे क्लियर नहीं करता हूँ कि क्या हुआ था XYZ, हमारा अच्छा रिलेशन है, अभी मुंबई जाऊंगा मिलने वाले हैं इतना मुझे पता है। तो चलिए, और एक बात जो मुझे पूछना है कि वो है कि ये थोड़ा सिमिलर है जैसे कि मैंने पूछा था मुंबई के वजह मुंबई को लेके, तो ये IPL में ना मतलब आजकल का जो यंग टैलेंटेड क्रिकेटर्स है तो वो लोग गेम रखता है कि IPL खेलूँ तो हो जाएगा, पर अगर IPL भी खेल ले तो फिर इंटरनेशनल भी क्रिकेट खेले तो बस T20 में फोकस करते हैं, टेस्ट क्रिकेट जो पहले जो था एक मतलब एक चाहत था क्रिकेटर्स में टेस्ट क्रिकेट खेलने का जो बेसिक फॉर्मेट है वो ना कहीं घट जा रहा है, क्या ये आपका क्या राय है इस बारे में? मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ इस चीज को कि जो IPL खेलना चाहते हैं, क्योंकि आप IPL खेल के पैसा कमा सकते हो बट एक देश के खेलने का जो फील है वो नहीं IPL से आपको नहीं मिलेगा, वो आपको टेस्ट क्रिकेट जिस देश के लिए आप खेलोगे और व्हाइट जर्सी जब आपके सीने पे आपका इंडिया का लोगो होगा वो फील जो इंडिया टेस्ट क्रिकेट का है वो आपको अलग ही रहेगा। IPL उन दोनों का हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं, IPL आपको हाँ एक टूर्नामेंट के रूप में खेलना चाहते हो इट्स ओके, बट अगर तुम कहोगे मेरा सपना IPL खेलना तो मेरे ख्याल से ये गलत है, क्योंकि जो इंडियन क्रिकेट जो टेस्ट क्रिकेट है, देखो क्रिकेट में सबसे मेन टेस्ट क्रिकेट माना जाता है, पर IPL की वजह से लोग T20 में ज्यादा रुचि रखने लगे हैं, लेकिन
मेन क्रिकेट जो है इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट है, आपको इसी से अंदाजा लगा लेना चाहिए। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, अगर आप इंटरनेशनल जाते हैं, तो पहले आपको श्रीलंका बांग्लादेश ऐसे एक ही साथ सीरीज मिलती है, उसके बाद फिर आपका एक वनडे में सिलेक्शन होता है, उसके बाद आप उसमें अच्छा करते हैं फिर आपका टेस्ट क्रिकेट में सिलेक्शन होता है। जो लास्ट में मिल रहा है मतलब उसमें कुछ बात हो गई, जितना लेट मिल रहा है मतलब उसका लेवल ही अलग है, तो उसके लिए टारगेट करें। मेरे ख्याल से ये आईपीएल और ये सब वनडे खेल के भी नहीं, व्हाइट जर्सी चाहिए, वो टारगेट होना चाहिए प्लेयर। बिल्कुल आपने सही कहा, वही तो आपका भी टारगेट जरूर होगा टेस्ट खेलना। हाँ मेरा भी टारगेट वही है कि टेस्ट क्रिकेट खेलना, आईपीएल वगैरह ये सब खेलना है, खेलना छोड़ना कुछ नहीं है, बट इंटरनेशनल इंडिया टीम से कहीं से भी टेस्ट क्रिकेट मिलना चाहिए। बिल्कुल, तो ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। और अभी एक चीज़, हम एक गेम तो खेलेंगे पर उसके पहले और भी थोड़ा बहुत क्वेश्चंस है। आपने नेट में तो बैटिंग की है बहुत बार, तो आपके लिए इनो कौन सा, अगर कोई बॉलर है जो आपको बहुत तकलीफ दे इनो नेट में बैटिंग करने, ऐसा कौन है? ऐसा मुझे इतना कुछ लगा नहीं जो इतना नेट में तकलीफ दे। मैच वैसे इसमें कुछ बॉलर्स मिलते हैं टफ, जो हम लोग प्लानिंग करते हैं कि अगर मेरे को वो टफ हो रहा है तो मैं सामने वाले को स्ट्राइक देता हूँ, अगर उसको टफ हो रहा है तो फिर मैं उसका ओवर खेलता हूँ, ये प्लानिंग होती है। बट नेट में अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो फिर वो मेरे ख्याल से एक हैबिट हो जाती है दोनों के लिए। तो मेरे ख्याल से हाँ, मैचेस में वो होता है कि कभी एक पेस बॉलर ऐसा मिलता है बीट पे बीट किया जा रहा है, लेफ्टी के लिए उसका अच्छा स्विंग हो रहा है, राइटी के लिए नहीं हो रहा है, तो मेरा टारगेट ये होता है कि मैं उसको सिंगल देकर उसको खिलाऊं, उसके ओवर वेस्ट होने देता हूं, उसके बाद जो बॉलर दूसरा आएगा उसके लिए हम चार्ज करेंगे, ये सब प्लानिंग करके। हाँ ऐसा होता है मैच में। अच्छा ठीक है, तो अभी फिलहाल एक रैपिड फायर राउंड होने वाला है, यू नो वहाँ पे ओके मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको जल्दी जल्दी जवाब देना है थोड़ा, ठीक है? ठीक है ठीक तो है। बैटिंग और बॉलिंग, बैटिंग 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 ओके। फेवरेट पीसी और मोबाइल गेम, पीसी, फेवरेट पीसी, नहीं फेवरेट पीसी नहीं मतलब कौन सा गेम है जो फेवरेट है, पीसी या मोबाइल दोनों में से कोई एक गेम का नाम? पीसी में जीटीए सैन एंड्रियास। GTA San Andreas, अच्छा चलो, और एक चीज़ पता चल गया आपके बारे में, शौक। बहुत अच्छा, खेलता हूँ मैं, खेलता हूँ मैं। फेवरेट फील्डिंग पोजीशन, पॉइंट पॉइंट पे, अच्छा हाँ पॉइंट पे, तो हाँ सबसे जो टीम का सबसे बेस्ट फील्डर रहता है पॉइंट पे मुझे जो लगता है। हाँ क्योंकि मैं भी लेफ्टी हूँ ना, और जडेजा रहना रहना भले ही राइट ही थ्रो कर, युवराज लेकिन सिंह, लेकिन युवराज सिंह इन युवराज सिंह सबको, इन सबको लेफ्टी का क्या होता है ना, अगर क्या वो रन होता है लेता है तो रन अपने को एक लेता अच्छा है एंगल नॉन मिलता है स्ट्राइक नॉन वेट स्ट्राइक वेट करने करने के के लिए, लिए, वो वो अपने अपने को को पॉजिटिव पॉजिटिव रहता रहता है, है, इसके इसके लिए लिए लेफ्टी लेफ्टी को को ज्यादातर ज्यादातर लगाया लगाया जाता जाता है। है। अच्छा, ये एक नया चीज मुझे पता चला आपसे, ठीक है। योर ड्रीम ग्राउंड टू प्ले इन, ड्रीम तो देखो मेरा वानखेड़े में खेलना था, वानखेड़े एक्चुअली में मैं खेलना खेल था, चुका एक्चुअली हूँ, खेल चुका हूँ, लेकिन लेकिन मैं एक मैं अपने अपने देश के लिए खेल के और वानखेड़े में वानखेड़े खेलूँ, में ये मेरा खेलूँ, एक ये मेरा एक एम है। और आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ इंडिया में तो आप में तो आप इंग्लैंड में मैं खेलना इंग्लैंड में चाहता हूँ, खेलना चाहता इंग्लैंड हूँ, में मुझे इंग्लैंड खेलना में है, मुझे खेलना है, कोई भी ग्राउंड हो इंग्लैंड हो, बट इंग्लैंड इंग्लैंड में में मुझे मुझे इंटरनेशनल इंटरनेशनल ग्राउंड ग्राउंड में में खेलना खेलना है। है। ग्रीन सरफेस, ठीक है। हाँ ग्रीन सर्फेस फेवरेट जो भी, फेवरेट सर्फेस जो भी। स्ट्रीट फूड, मैं मुंबई वड़ा मुंबई पाव। वड़ा पाव, मुंबई वड़ा पाव, ये बहुत किसी का फेवरेट है यार, मुझे भी कभी कभी मैं मुंबई जाऊंगा ना तो आपसे कांटेक्ट करूंगा, मुझे भी बेस्ट खिलाओ बिल्कुल आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको एक ऐसी जगह से खिलाऊंगा ऐसी जो जगह मेरा खिलाऊंगा जो बेस्ट मेरा प्लेस है। बेस्ट प्लेस है, ठीक है ठीक है। और फेवरेट क्लास इन स्कूल लाइफ, स्कूल लाइफ के फेवरेट फेवरेट क्लास फेवरेट जहाँ पे बहुत फेवरेट मजा आता है। फेवरेट क्लास क्लास, मेरी नाइन्थ फेवरेट क्लास नाइन्थ जो क्लास कि जो कि अलबरकात स्कूल में अलबरकात थी, स्कूल में हमने थी, बहुत एंजॉय किया है बहुत एंजॉय उसमें, किया है उसमें, और एंजॉय इसलिए भी और किया है इंजॉय इसलिए जितने भी भी क्रिकेटर्स क्रिकेटर्स से से हम हम एक एक साथ साथ थे, थे, और और ऐसा ऐसा भी भी किया किया है है कि कि टीचर, टीचर, मतलब मतलब हमने हमने बहुत बहुत मस्तियां मस्तियां की की हैं हैं उसमें, उसमें, मैं मैं बता बता नहीं नहीं सकता सकता हूँ, हूँ, बट बट हमने हमने वो वो एंजॉय एंजॉय जो जो किया किया है है वो वो बहुत, बहुत, बहुत अच्छा किया है। तो इफ यू गेट थ्री विशेस, थ्री फ्री विशेस, व्हाट विल बी, व्हाट विल सबसे बी? पहले मैं अपनी, मेरी विश तो ये रहेगी कि मैं अपने मम्मी को और अपनी बहनों को और अपनी खुश रख बहनों को सकूं, खुश रख सकूं, और और पूरी जिंदगी में जिंदगी में मैं उनको मैं कोई संकट या कोई प्रॉब्लम संकट नहीं या आना देना प्रॉब्लम नहीं चाहता आना कि देना जिन्होंने चाहता फेस कि जिन्होंने किए फेस छोटी किए सी अभी छोटी सी लाइफ अभी में लाइफ बताया, में मैं बताया, चाहता मैं हूँ बस चाहता पूरी हूँ बस जिंदगी पूरी में उनको जिंदगी में खुश उनको रखूं, खुश रखूं। मेरी बस एक ही मेरा विश बस है, एक मुझे ही मेरा विषय है कुछ कि नहीं मुझे चाहिए यही कि मुझे खेलना ये है, खेलना है, मेरा मेरा ठीक ठीक है है, मैं मैं अपनी अपनी मेहनत मेहनत से से जो जो मिलेगा, मिलेगा, बट बट अपनी अपनी माँ माँ और और मैं मैं अपनी अपनी बहनों बहनों को को पूरी पूरी जिंदगी जिंदगी के के लिए लिए मुझे मुझे जो जो भी भी करना करना पड़े पड़े कर कर सकता सकता हूँ, हूँ, पर पर उन्हें उन्हें खुश खुश रखना रखना चाहता चाहता हूँ। हूँ। टॉप हैंड और बॉटम हैंड, टॉप एंड, टॉप टॉप एंड, हैंड, टॉप हैंड, यस यस। ओके हाँ क्योंकि हिटिंग इतना हिटिंग कभी इतना कभी ठीक है, कभी बट कभी टॉप ठीक है एंड से बट हमें टॉप क्रिकेट एंड से खेलना हमें है। क्रिकेट खेलना है। बॉटम एंड से शायद टेक्निकल शॉट्स ज़्यादा होते हैं ना इस, बॉटम एंड टेक्निकल से शॉट्स ज़्यादा होते हैं। नहीं,
आपको हिटिंग अच्छी मिलती है, आपको बड़े शॉट खेलना है तो बॉटम एंड का यूज करना पड़ेगा, जैसे एंड्रयू रसल करते हैं, एमएस धोनी करते हैं, ऋषभ पंत, ये सब क्या है बॉटम एंड से खेलते हैं। आपको टॉप एंड बैट्समैन देखने हैं तो विराट कोहली, गौतम गंभीर, सचिन तेंदुलकर, सुरेश अय्यर, केएल राहुल, हाँ ये सब टॉप एंड क्लास बैट्समैन है। ओके, फेवरेट सोशल मीडिया ऐप? फेवरेट सोशल मीडिया ऐप फेसबुक, इंस्टाग्राम, हाँ ये दो नहीं है। तो अभी लास्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा टेक्निकल वाला है, यू नीड टू चूज बिटवीन वन, ठीक है, हिटिंग अ कवर ड्राइव टू एन ऑफ स्पिनर और हिटिंग एन ऑन ड्राइव टू अ लेग स्पिनर। हिटिंग अ कवर ड्राइव टू ऑफ स्पिनर बिकॉज इट्स माय फेवरेट शॉट आल्सो, और ऑफ स्पिनर को क्योंकि सामने वाले कैप्टन को ये लगता है कि लेफ्टी को ऑप्शनल लगाएंगे तो आउट होगा, बट कैप्टन को ये भी देखना चाहिए क्या उसको डिफिकल्ट हो रहा है। वो ऑप्शनल लगाता है, मेरे को मजा आता है क्योंकि मैं ऑप्शनल मुझे बहुत पसंद है, बल्कि लेग स्पिनर मुझे डिफिकल्ट लगता है, बल्कि मेरे लिए वो इजी होना चाहिए। सबका अपना अपना होता है, जैसे ऑप्शनल देखता हूँ मैं खुश हो जाता हूँ, चलो अच्छा है। एक लेफ्ट आर्म, लेफ्ट आर्म क्या होता है सब थोड़ा मुझे देते हैं, लेकिन इस पर वर्क कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं सुन रहा था, इन्होंने ये सब सुनता रहता हूँ इंटरव्यूज ये वगैरह वगैरह, तो वहाँ पे कोई क्रिकेटर था इन्हों जो आई थिंक मैं शायद गुंडप्पा विश्वनाथ थे वो, मैं भूल गया हूँ, तो वो मतलब जब लेग स्पिनर बॉल करता है तो उनको ऑन ड्राइव मारना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आई थिंक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेग स्पिनर को आप ऑन ड्राइव इसलिए भी नहीं मार सकते हो बिकॉज कि लेग स्पिनर का नेचुरल टर्न मिलता है। हाँ वही नेचुरल टर्न मिलता है तो हाँ, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, पर गुंडप्पा विश्वनाथ ऐसा प्लेयर थे जो ये बहुत अच्छे तरीके से करते थे। ओ वीवीएस लक्ष्मण भी है, हाँ और भी कुछ होंगे तो ठीक है, इन द एंड हम लोग अभी समाप्त करने ही वाले हैं, पर उसके पहले आपसे कुछ सवाल है, जैसे कि यू नो आपके लाइफ में कुछ स्ट्रगल रहा है, अप्स रहा है, डाउन्स रहा है, तो हमेशा ना मतलब आप डिप्रेस्ड भी हुए होंगे थोड़ा बहुत, यू नो एक वक्त था, पर अपने लाइफ में मतलब कभी कभार ना एक कोई ना कोई एक ऐसा मिल जाता है, एक हाथ मिल जाता है, चाहे वो मम्मी की हो, चाहे वो पापा की हो, चाहे वो बहन की हो, चाहे ये कोई और की भी हो, यू नो तो क्या आपके लाइफ में कोई ऐसा है या जो आप जो आपके मतलब जो खराब समय था यू नो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाया, यू नो एनीवन लाइक दैट, यू नो अगर आप शायरी के तौर समझा पाए तो और भी बेहतरीन होगा। हाँ वो आपकी बात ठीक है शायरी की, लेकिन मैं सब कुछ डेडिकेट दे देता हूँ अपनी मम्मी को, क्योंकि उनको पुष्कर का जो दर्द है और जो मेरा स्ट्रगल है वो मेरी मम्मी को ही पता है। और आपने कहा है कि शायरी में भी उनका सपूत अच्छा रहेगा, तो मेरी माँ से कभी कहना पुष्कर की कहानी सुनाइए जो कभी बादशाह था इश्क का मजबूर क्यों हो गया। तो जो क्या है आज मैं हूँ, जो पहले था, आज मैं भी एक हंसता खेलता लड़का और आज परिवार के लिए कर रहा हूँ, मेरे भी कुछ सपने थे कि मैं यहाँ घूमूंगा वहाँ घूमू, वो सब को मैं छोड़ कर एक अपने परिवार के लिए मैं सिर्फ जो भी है कर रहे आ रहा हूँ, तो मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब मेरी मम्मी को पता है, क्योंकि मेरे ए टू जेड बात मेरी मम्मी से शेयर होती है और उन्होंने मुझे सपोर्ट, जैसे डैडी से 100% मिलता था तो मुझे 200% दे दिए, क्योंकि हमारे साथ क्या होता है ना, जो पड़ोसी होते हैं, जो आपके रिश्तेदार होते हैं ना, उनको बहुत पड़ी होती है हमारे लिए, पता नहीं क्यों, हमें तो नहीं पड़ी किसी की, पर उनको बहुत इंटरेस्ट होता है दूसरे की लाइफ में, अरे आपका लड़का तो बर्बाद हो जाएगा कि क्रिकेट में क्या भेज दिया आपको, तो ये जो चार लोग की मैं हर इंटरव्यू में बोलता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ सुधरे, मेरी मम्मी ने कम ताने नहीं सुने हैं, बात ये है रिश्तेदारों से पड़ोसियों से, लेकिन मेरे कुछ पड़ोसी अच्छे अच्छे भी हैं पापा जी के जो दोस्त थे और आज भी दोस्त हैं, जो घर पे आ जाना है उनकी बदौलत मम्मी जी को मोटिवेशन मिलता है कि चलो हाँ ये लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि मम्मी के पीछे अब कोई नहीं है, मेरे डैडी जी थे साथ में अलग बात है, अभी कोई नहीं, तो उनको लगता है कि मैं कुछ गलत ना करा दूं अकेले में, ऐसा ना हो मेरा बेटी की लाइफ खराब हो जाए, तो उनको जो बताते हैं हमारे सूर्यपाल ताऊ जी हैं, ब्रजवासी चाचा जी हैं, नितिन जीजा जी हैं, ये सब तीन चार जो लोग हैं, सूर्यपाल अंकल जी हैं, तो ये सब जो हैं हमें रास्ता बताते हैं, और अभी लास्ट टाइम पे ये सब लोग मिलने भी गए थे मम्मी से, और मम्मी को जैसे अतिंदर जीजा जी मिलने आए थे और योगेश जीजा जी, तो ये बताते हैं कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो बेटे की, वो लड़का कर रहा है मेहनत कर रहा है, उनको एक मोह ऐसा देते हैं कि आपका लड़के को करने दो, और मम्मी को जब लगता है कि आप मेरे साथ हो तो वही बोलती है बेटा तू कर, तो मैं यही चाहता हूँ कि जो चार लोग जो कहते हैं कि आप, हाँ लड़कियों के साथ बहुत पॉलिटिक्स होती है कि आप अपनी बेटी को क्रिकेट मत खिलाओ, लड़की तो सिर्फ पढ़ाई वढ़ाई, मुंबई में लड़कियां क्रिकेट बहुत खेलती हैं,
मुझे आज ऐसे ऐसे टेक्स्ट आ रहे हैं लड़कियों के कि पुष्कर वी वांट टू प्ले क्रिकेट बट मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, अगर मैं मम्मी पापा को मना भी लेती हूँ तो मेरे जो पड़ोसी हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे, मैं क्या करूँ। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं यार, मुझे खराब फील होता है यार कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप कुछ करना चाहते हो, अगर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ तो आप एग्री हो, अगर मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ एग्री नहीं हो, ऐसा क्यों हो रहा है ये अभी। लेकिन अच्छा ये भी हो रहा है कि लोगों को दिख रहा है क्रिकेट में फ्यूचर है अभी। लेकिन पंजाब में एक वो भी खुला है क्रिकेट कोचिंग सेंटर जस्ट फॉर गर्ल्स। हाँ वो अच्छा, हाँ वो पंजाब में खुला है जस्ट फॉर गर्ल्स, आप सही बोल रहे हैं। मुंबई में भी खुल रहा है और बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है मुंबई में जो गर्ल्स के लिए है। और मैं तो बस यही चाहता हूँ कि गर्ल्स जो भी खेलना चाहती है, अगर गर्ल बोले कि मुझे डॉक्टर बनना है तो घर वाले एग्री है, पड़ोसी एग्री है, बट क्रिकेट फुटबॉल वॉट एवर सी वॉन्ट टू प्ले यार, जो भी खेलना चाहती है उसे खेलना चाहिए। आप ये मत बोलो कि पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई के साथ साथ आप इसे खेलने दीजिए, अगर उसका फ्यूचर होगा तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। वही वही बिल्कुल सही कहा आपने और मैं भी सहमत हूँ। और घर कब लौट रहे हो? घर तो देखो मेरा प्लान था ये लास्ट मंथ ही आने का, बट लॉकडाउन की वजह से फ्लाइट कैंसिल हो गई। मैं अभी दिसंबर के बाद प्लान कर रहा हूँ इंडिया आने का, जैसे ही अगर लॉकडाउन वगैरह कोरोना 0-0 हो जाएगा मैं तभी एंट्री करूँगा उससे पहले, क्योंकि मेरी फैमिली भी सपोर्ट दे रही थी। कोरोना बहुत सब कुछ मतलब दिसंबर तक सब हो जाएगा ठीक, कोई टेंशन नहीं, सब हो जाएगा। होप सो फिंगर्स क्रॉस्ड। ओके ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यू नो समय का पता ही नहीं चलता यार आपसे बात करते हुए, यू नो ऐसा लगा कि मतलब यार यूं ही बात करते करते। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मुझे भी अच्छा लगा आपसे बात करके। होप सो आपको भी अच्छा लगा। और यस फ्यूचर में भी बहुत कई बार ऐसे हम लोग ज्वाइन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और भी बहुत सारे क्रिकेटर्स के साथ, यू नो यंग क्रिकेटर्स के साथ चाहे तो 3-4 लोग एक साथ कन्वर्सेशन रखेंगे, मजा आएगा। होप सो होता है। एंड यस थैंक यू वेरी मच।